नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 55,000 करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस। दिल्ली के ज्वेलरी शोरूम में 20 करोड़ के गहने चोरी। 31 दिसंबर तक जोड़ सकेंगे डीमैट अकाउंट में नॉमिनी। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड। स्टेट बैंक समेत 3 बैंकों पर 4 करोड़ रुपए जुर्माना। चांद पर दिन खत्म होने तक विक्रम प्रज्ञान के जागने का करेंगे इंतजार। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को। घुड़सवारी में मध्य प्रदेश ने दिलाया पहला गोल्ड। ड्रैगन ने पेत्रा बदला, भारत के लिए बड़ी चुनौती। श्रीलंका में चीन नया जाल फेंक रहा, गरीबों के 19,000 मकान बनाएगा। अजरबैजान के गैस प्लांट में विस्फोट, 20 लोगों की मौत, 300 लोग घायल। कावेरी विवाद जल छोड़ने के खिलाफ बेंगलुरु में बंद, तमिलनाडु में भी प्रदर्शन। कनाडा के उपसेना प्रमुख बोले, विवाद से दोनों देशों की सरकारों को निपटने दें। ब्राजील में 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से बचने के लिए बीच पर पहुंच गए हजारों लोग। मुरादाबाद में बैंक लॉकर में रखे 18 लाख रुपए दीमक खा गई। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।